आज के पाठ का शीर्षक है आल्हा का कथ्य एवं विशेषताएं। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप विभिन्न दृष्टिकोणों से आल्हा की कथा वस्तु का परिचय प्राप्त कर सकेंगे, आल्हा की ऐतिहासिकता से परिचित हो सकेंगे, राज्याश्रित काव्य में कवि पर आश्रयदाता राजा के प्रभाव को लक्षित कर सकेंगे, आल्हा के नायकत्व के दो आयामों लोक एवं इतिहास की तुलना कर सकेंगे और लोक गाथा के रूप में आल्हा की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इतिहास अधिकांशतः राजा महाराजाओं के आश्रय में लिखा गया है। आश्रित कवि अपने आश्रयदाता की प्रतिष्ठा को केंद्र में रखकर उसके शौर्य का चित्रण करता रहा है। दूसरी ओर एक इतिहास लोक में भी मिलता है, जिसे लोक साहित्य के विविध रूपों में थोड़े से परिश्रम और इतिहास दृष्टि का प्रयोग करके देखा जा सकता है। हिंदी क्षेत्र में प्रचलित लोकगाथा आल्हा इसका प्रमाण है। चंदेल चौहान युद्ध का उल्लेख इतिहास में मिलता है, साथ ही लोक की स्मृति में भी। चंदेल सेना के नायक आल्हा उदल की वीरता का वर्णन दो दृष्टियों से प्राप्त होता है। एक, चंदवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो की दृष्टि से तथा दूसरे लोक कवि जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो के आधार पर लोक की दृष्टि से। दोनों दृष्टियों से आल्हा के चरित्र में क्या भेद है? इतिहास के आल्हा तथा लोक के आल्हा के वर्ण विषय में क्या अंतर है? लोक गाथा आल्हा की क्या विशेषताएं हैं, आदि बिंदुओं पर इस इकाई में विचार किया जाएगा। नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या तथा श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित पृथ्वीराज रासो के भाग दो में महोबा समय नामक एक खंड है। संपादकों ने पाद टिप्पणी में इस समय का चंद की रचना होने में संदेह भी व्यक्त किया है, किंतु इस समय की घटना का संबंध पृथ्वीराज के जीवन चरित्र से अवश्य माना है। उसके अनुसार आल्हा का कथ्य जानना उपयोगी होगा। महोबा समय का आरंभ यहां से होता है कि चौहान और चंदेल कुल में झगड़ा पड़ गया है। यह बात चारों ओर फैल जाती है। विवाह के अनंतर सुल्तान को कैद करके पृथ्वीराज की सेना महोबा पहुंचती है। समुद्र शिखर गढ़ से विवाह करके चलने पर सुल्तान बीच में आकर उसे घेर लेता है। उसे जीतकर पृथ्वीराज दिल्ली की ओर चलते हैं। उनके कुछ घायल सरदार रास्ता भूलकर महोबा आ पहुंचते हैं। वहां भारी वर्षा होती है। सरदार व्याकुल होकर परमाल राजा के बाग में ठहरते हैं। माली उन्हें रोकते हैं। बात बढ़ जाने पर माली उन्हें गाली देते हैं। सरदार माली को मार गिराते हैं। मालिन रानी मलहन देवी के पास जाकर उन्हें सब बातें बताती है। रानी राजा को बुलाकर ये सूचना देती है। राजा अपने वीरों को इन सब को पकड़ लाने की आज्ञा देते हैं। परमाल देव की आज्ञा से सरदारों को पकड़ने के लिए सेना आती है। दोनों पक्षों में घोर युद्ध होता है। परमाल की 3,000 सेना मारी जाती है। पृथ्वीराज के 30 वीर मारे जाते हैं और 17 घायल होते हैं। यह समाचार पाकर परमाल देव क्रोधित होकर ऊदल को बुलाते हैं और उन घायलों के सिर काट लाने की आज्ञा देते हैं। उदल कहते हैं कि घायलों को मारना वीर धर्म के विरुद्ध है, किंतु राजा कुछ नहीं सुनते। उदल फिर उन्हें समझाते हैं कि एक तो घायल को मारना पाप है, दूसरे ये पृथ्वीराज के दूत हैं, इसलिए उनसे विरोध न कीजिए और इन लोगों को जीवन दान दीजिए। उदल के शत्रु महला और भूपति राजा के कान भरते हैं कि उदल युद्ध से जी चुराता है और कोई बात नहीं है। राजा महला और भूपति की बात मानकर
ऊदल को घायलों को मारने की आज्ञा देते हैं। आज्ञा मानकर ऊदल बाघ को जा घेरते हैं और राजपूतों को ललकारते हैं। फिर घोर युद्ध होता है और कनक चौहान की चोट से ऊदल मूर्छित हो जाते हैं। चंदेल के बहुत सारे वीर मारे जाते हैं और पृथ्वीराज के 20 घायल सरदार भी कनक चौहान के साथ मारे जाते हैं। यह समाचार सुनकर कि चंदेलों ने मेरे घायल वीरों को मारा, पृथ्वीराज क्रोधित होते हैं और कन्ह चौहान तथा सभी सामंतों को बुलाकर मंत्रणा करते हैं। सामंत महोबे पर चढ़ाई और परमाल को मार गिराने की सलाह देते हैं। पृथ्वीराज शुभ मुहूर्त देखकर कूच करते हैं और पहले दिन बाग में डेरा डालते हैं। रात वहां बिताकर सुबह उठकर सरदारों को बुलाते हैं और सभी को सवारी के लिए घोड़े आदि बांटकर चंदेल को जीतने के लिए 20,000 वीरों के साथ कूच करते हैं। पृथ्वीराज की सेना की चढ़ाई का समाचार परमाल देव को मिलता है। परमाल देव अपने सब सरदारों को बुलाकर सलाह करते हैं। महला भोपति की चुगली से आल्हा और ऊदल अलग हो जाते हैं। परमाल देव तैयारी के साथ पृथ्वीराज की सेना का सामना करते हैं। घोर युद्ध होता है। पृथ्वीराज के सरदार परमाल देव के बड़े बड़े सरदारों को मार गिराते हैं। इधर सिरसा के टूटने और बहुत सी सेना के मारे जाने पर आरि सिंह भागकर महोबे जाते हैं। आरि सिंह परमाल देव से सिरसा के युद्ध में मलखां वीर सिंह, नरसिंह, जय सिंह आदि वीरों के मारे जाने और पृथ्वीराज की विजय का समाचार कहते हैं। परमाल देव अपने बेटों और सरदारों को बुलाकर परामर्श लेते हैं कि अब क्या करना चाहिए। रानी मलहन देवी कहती हैं कि 2 महीना युद्ध बंद करके जगनक को भेजकर आल्हा को बुलाइए और पृथ्वीराज के पास जलहन को भेजकर 2 महीना लड़ाई बंद रखने को कहलाइए। रानी की बात सभी को अच्छी लगती है। 50,000 पान, गुलाब, बंदूक, बर्छे और कच्ची घोड़े सौगात में लेकर जलहन पृथ्वीराज के पास जाते हैं और पत्र देते हैं। जलहन पृथ्वीराज से कहते हैं कि बनाफर अर्थात आल्हा ऊदल रूठकर कन्नौज जा बैठे हैं। उन्हें लाने को राजा ने जगनक को भेजा है, इसलिए आप क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनके आने तक युद्ध बंद रखिए। पृथ्वीराज ने नजर रख ली और आल्हा के आने तक युद्ध बंद रखना स्वीकार किया। इसके बाद जलहन महोबे लौट जाता है और पृथ्वीराज वहीं डेरा डालकर रहते हैं। पृथ्वीराज चंद वरदाई से पूछते हैं कि आल्हा ऊदल चंदेल से क्यों रूठ गए हैं, तो चंद उन्हें बताते हैं कि पहले चंदेल के यहाँ दसराज सेनापति था। उसने गोंड लोगों की लड़ाई में बड़ी वीरता दिखाई। सिर कट जाने पर भी धड़ से सहस्रों वीर शत्रुओं को मारकर चंदेल राजा की विजय कराई। राजा विजय करके महोबे आया और दसराज के बेटों आल्हा ऊदल को बुलाकर बड़ा आदर किया और सेनापति बनाया। महला और भोपति ने राजा से चुगली की कि आल्हा ऊदल के पास 5 बछेड़े ऐराकी घोड़े के बड़े उत्तम हैं। राजा कालिंजर देखने गया और वहां आल्हा को बुलाकर उन 5 बछेड़ों को मांगा और बदले में बहुत घोड़े लेने को कहा। आल्हा की माँ बेटे से कहती हैं कि घोड़े कदापि ना दो, बल्कि देश छोड़ दो और कन्नौज चलकर रहो। आल्हा यह सुनकर घर लौट आया और अपने घोड़े आदि लेकर कन्नौज की ओर चल पड़ा। आल्हा ऊदल के कन्नौज पहुंचने पर जयचंद बड़े आदर से उन्हें अपने पास रखते हैं। जगनक ने कन्नौज पहुंचकर चिट्ठी आल्हा को दी और सब समाचार कहकर महोबा चलने के लिए
परमाल की विनती सुनाई। जगनक की बात सुनकर आल्हा ने कहा कि खेद है कि महोबा लुटा, लेकिन चंदेल का गुमान टूटा। उन्होंने बिना अपराध हमसे हमारा देश छुड़ाया, हमारी कुछ भी सेवा न मानी। अब भी चुगलों को दूर करें और सूर सामंतों को आगे कर बेखटके चौहान से लड़ें। जगनक आल्हा को समझाते हैं कि तुम्हारे पिता ने चंदेल की बहुत कुछ सहायता की और तुम्हारा भी आदर किया। तुम्हारा कहना ठीक है, पर इस समय स्वामी को छोड़ना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। जगनक ने आल्हा की माता देवल दे से भी जाकर कहा कि रानी मलहन दे ने तुमसे कहा है कि इस समय चंदेल पर संकट है, तुम्हें आना चाहिए। देवल दे ने यह सुनकर बेटों से कहा कि महोबा चलो और पृथ्वीराज से लड़कर स्वामी का काम बनाओ। उदल ने माँ से कहा कि जिस दुर्दशा से महोबे से परमाल देव ने निकाला था वो भूल गई, और जगनक से कहा कि तुम महोबे लौट जाओ, किंतु माँ के द्वारा क्षत्रिय धर्म की दुहाई देकर समझाने पर उदल तैयार हो जाते हैं। महोबे के लिए जाने को तैयार होकर वे जगनक के साथ जयचंद के पास आते हैं। पहले तो जयचंद उन्हें जाने से रोकते हैं, किंतु चंदेल का पत्र पढ़कर उसकी सहायता को सेना भी भेजते हैं और आल्हा उदल को भी। आल्हा उदल सेना सहित महोबा पहुंचते हैं। वहां परमाल उनका तथा रानी मलहन दे देवल दे का स्वागत करते हैं। आल्हा के आने का समाचार सुनकर पृथ्वीराज परमाल देव को पत्र भेजते हैं कि क्षत्रिय धर्म विचार कर हमने 2 महीना युद्ध बंद कर प्रतीक्षा की, अब या तो लड़ो या महोबा छोड़ दो। युद्ध आरंभ होता है। दोनों तरफ की सेनाएं वीरता से लड़ती हैं। आल्हा उदल भी वीरता से लड़ते हैं। उदल वीर गति को प्राप्त होते हैं। आल्हा निद्रास्त्र का प्रयोग करके सब चौहान सेना को मूर्छित कर देते हैं। कवि चंद आल्हा की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आल्हा सल का अवतार है। वह गोरख से मिला था और उनकी सेवा करके उनसे वरदान पाया था। अत्ताताई और आल्हा का युद्ध होता है। आल्हा मूर्छित हो जाते हैं। उधर पृथ्वीराज ब्रह्मजीत को मार गिराते हैं। आल्हा पृथ्वीराज पर आक्रमण करते हैं और मंत्र अस्त्र का प्रयोग करते हैं। कवि चंद उन्हें काट देते हैं। पृथ्वीराज मूर्छित हो जाते हैं। गोरखनाथ आकर आल्हा को अपने साथ ले जाते हैं। संजम राय अपने प्राण देकर पृथ्वीराज को बचाते हैं। चामंड राय परमाल को कालिंजर से पकड़कर लाता है। पृथ्वीराज पज्जुन राय को महोबे का थानापति नियुक्त करके दिल्ली लौट जाते हैं। लोक का आल्हा द्रौपदी का चीर है, जिसमें अलहितों के अनुसार 4 से लेकर 28 लड़ाइयां पाई जाती हैं। एक साक्षात्कार में एक बुजुर्ग अलहित स्वर्गीय आशाराम सिंह ने बलपूर्वक आल्हा में 4 लड़ाइयों के होने की बात कही है, माड़ो, सिरसा, कीरत सागर और उरई की लड़ाइयाँ। इनसे ही आल्हा का विकास हुआ है। पुरानी महोबा गायकी के अलहितों ने 4 से लेकर 7 लड़ाइयों तक के कथानक को आल्हा का मूल रूप बताया है। 7 लड़ाइयों में माड़ोगढ़, नैनागढ़, नरवरगढ़, सिरसा, कीरत सागर, नदी वेतवा एवं बैरागढ़ की लड़ाइयाँ गिनाई जाती हैं। आल्हा निकासी और आल्हा मनौवा लड़ाई को कथा प्रसंग बताया जाता है। सिरसा की लड़ाई में मलखान नायक हैं, अतएव उसके विवाह की पथरीगढ़ की लड़ाई भी सम्मिलित करना उचित है। कीरत सागर
या कजरियों की लड़ाई की नायिका चंद्रावली है, जो चंदेल नरेश परमर्दी देव की पुत्री है। चंद्रावली का प्रसंग चंद्रावली की चौथी या बैरागढ़ की लड़ाई से जुड़ता है। आल्हा उदल के निष्कासन के बाद कान्य कुब्ज में रहने के कारण लाखन का विवाह तथा गौना और गाजर की लड़ाई दोनों प्रसंग कथानक के अंग हैं। इस प्रकार 14 गाथाएं कथा को पूर्णता देती हैं। इंदल हरण की घटना मुख्य घटना के पहले की है, इसलिए जगनिक ने उसका भी वर्णन किया है। इस घटना से आल्हा के कथानक में 3 पीढ़ियों की कथा का योजित होना महत्वपूर्ण हो जाता है। आल्हा के रचयिता जगनिक ने आल्हा उदल की वीरता को केंद्र में रखकर आल्हा की रचना की थी, किंतु लोक गाथा होने तथा लोक मुख में जीवित रहने के कारण आल्हा के अब तक कई रूप तथा आकार मिलते हैं, जिसमें पृथ्वीराज रासो का महोबा समय, परमाल रासो, आल रायछो, जगतराज की दिग्विजय, वीर विलास, पृथ्वीराज दरेरो, कजरियन को राछरो, चंद्रावली को राछरो आदि मुख्य हैं। इन सभी का आधार परमाल रासो ही है। इसके अतिरिक्त आल्हा के कुछ अन्य लोक भाषाओं में प्रचलित रूप भी मिलते हैं, जैसे ब्रजी आल्हा, भोजपुरी आल्हा, कन्नौजी आल्हा आदि। जन कवि जगनिक ने अपने परमाल रासों में आल्हा उदल को ही नायकत्व प्रदान किया है। उनके समक्ष उस समय प्रश्न था जन जन में वीरता की भावना जागृत करने का, जो लोक भाषा और लोक संगीत के द्वारा ही संभव था। यही कारण है कि आल्हा लोक गाथा उत्तर भारत की हर लोक भाषा का श्रृंगार बन गई। परमाल रासों में आल्हा उदल से संबंधित कई लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, जिनका पृथ्वीराज रासों के महोबा समय में उल्लेख नहीं है। परमाल रासों की कुछ घटनाएं आल्हा उदल की वीरता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने हेतु बुनी हुई लगती हैं तथा कुछ चमत्कारिक। परमाल रासों में वर्णित कुछ घटनाएं इतिहास की अन्य लड़ाइयों की नकल भी प्रतीत होती हैं, जैसे योगियों का कथा प्रसंग, जिसमें 200 पालकियों में रनिवास के साथ ब्रह्मानंद और चंदेल सेना का होना बताया गया है। पृथ्वीराज रासों में महोबा समय का अंत पज्जुन राय के महोबा के थानापति बनाए जाने पर होता है, जबकि परमाल रासों में अंत में परमाल के पुत्र रणजीत आल्हा के पुत्र इंदल की सहायता और जयचंद की मदद से पज्जुन राय को हराकर महोबा के शासक बनते हैं। अंतर स्पष्ट है, पृथ्वीराज रासों की रचना चंद वरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के नायकत्व को केंद्र में रखकर की है और परमाल रासों की रचना लोक कवि जगनिक ने आल्हा उदल के नायकत्व को केंद्र में रखकर। काव्य अथवा लोक काव्य में इतिहास का उपयोग 2 प्रकार से होता है। एक है इतिहास की घटनाओं, उनसे संबद्ध कथानक तथा ऐतिहासिक पात्रों के अंकन द्वारा, और दूसरा है इतिहास की तरह प्रतीत होने वाली कल्पित घटनाओं और पात्रों की बुनावट द्वारा। पहले में ऐतिहासिक तथ्य रहते हैं तो दूसरे में इतिहास रस की अनुभूति होती है। आल्हा गाथाओं में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है और उससे जुड़े अनेक पात्र ऐतिहासिक हैं। साथ ही विवाह की घटनाएं, आल्हा को ब्याव, उदल को ब्याव, मलखान को ब्याव आदि गाथाएं इतिहास रस का आनंद देती हैं।
आल्हा का संबंध उत्तर प्रदेश के महोबा क्षेत्र से है। महोबा का एक नाम महोत्सव नगर भी है। चंदेलों से पहले महोबा पर गहरवार और प्रतिहार वंश के राजपूतों का शासन था। चंदेल के शासक चंद्रवर्मन ने प्रतिहारों से उसे जीत लिया और अपनी राजधानी बनाई। उनके बाद वक्पति, जेज्जा, विजय शक्ति एवं राहिल देव ने वहां राज किया। चंदेल वंश के 15वें शासक परमर्दी देव वर्मन के काल में महोबा की चमक फीकी पड़ने लगी। 1182 ईस्वी में परमाल एवं दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के बीच मतभेद पनपे। पृथ्वीराज चौहान ने महोबा को घेर लिया और उनके सेनापति चामुंड राय ने रानी मल्हना की कजली पूजा यात्रा पर अचानक हमला कर दिया, जिससे दोनों शासकों में युद्ध छिड़ गया। महोबा के योद्धा उदल, ब्रह्मा, रणजीत एवं अभय ने उन्हें अच्छी लड़त दी। चामुंड राय को युद्ध छोड़कर अपने शिविर वापस लौटना पड़ा। कुछ समय पश्चात चौहान नरेश पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। बनाफर भाई आल्हा उदल बड़ी वीरता से लड़े, किंतु महोबा पृथ्वीराज चौहान के हाथ में चला गया। परमाल को महोबा छोड़कर कलिंजर जाना पड़ा। पृथ्वीराज ने पज्जुन राय को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। कुछ वर्षों के बाद राजा परमाल के पुत्र समरजीत ने अपनी राजधानी वापस अपने अधिकार में ले ली। लगभग 2 दशकों के बाद 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महोबा और कालिंजर दोनों को जीत लिया, वहां की असीम संपत्ति को लूट लिया और वहां के काश्तकारों को कैद करके दास बनाकर गजनी भेज दिया। वहां उनसे सुंदर इमारतों का निर्माण कराया। बाद में राजा परमाल के दूसरे पुत्र त्रैलोक के वर्मन ने महोबा एवं कलिंजर पर पुनः आधिपत्य स्थापित किया, किंतु चंदेल अपनी ताकत खो चुके थे। महोबा को अपनी स्वाधीनता खोनी पड़ी और वह दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया। लोक परंपरा में आल्हा उदल, देवल दे, मलहन दे, मलखान आदि के साथ आल्हा के लोक कवि जगनिक भी ऐतिहासिक व्यक्ति सिद्ध हो जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार आल्हा की माँ देवकी अहीर जाति की कन्या थी। ऐसा उल्लेख है कि देवकी के पिता गोपालक राजा दलवाहन ने माँ दुर्गा के आदेश से अपनी ज्येष्ठ पुत्री देवकी को दसराज को तथा छोटी पुत्री ब्राह्मी को वत्सराज को दे दिया। भविष्य पुराण में आगे यह भी उल्लेख मिलता है कि बनाफर राजपूत आल्हा उदल की माँ ही नहीं बल्कि उनकी दादी भी बक्सर के अहीर परिवार से थीं, जो देवी चंडिका के आशीर्वाद से इस परिवार में आई थीं। आल्हा के छोटे भाई उदल भी उन्हीं के समान वीर योद्धा थे। इनका पूरा नाम उदय सिंह था। इनका समय 12वीं-13वीं शताब्दी माना जाता है। आल्हा उदल की वीरता की कहानियां भारत की लोक वार्ताओं एवं लोक गाथाओं में पाई जाती हैं, जो विशेष रूप से मध्य भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार प्रांतों में गाई जाती हैं। एक दंत कथा के अनुसार आल्हा अजेय थे। देवी शारदा से उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। कहा जाता है कि वे इतने निडर थे कि एक बार उन्होंने अपनी तलवार से अपना सिर काटकर देवी माँ को चढ़ा दिया। देवी माँ उनकी बहादुरी एवं समर्पण से प्रसन्न हुई और उन्हें अमरता का वरदान दिया। आल्हा गाथा में कुछ कथाएं लड़ाई नामकरण की हैं, जैसे माड़ो की लड़ाई, सिरसा की लड़ाई आदि, और कुछ कथाओं का नामकरण
ब्याव अर्थात विवाह और लड़ाई दोनों रूपों में है, जैसे आल्हा का विवाह या नैनागढ़ की लड़ाई, ऊदल का विवाह या नरवरगढ़ की लड़ाई आदि। जगनिक द्वारा आल्हा लोक गाथा की रचना के समय की भाषा तथा आज तक आते आते रूपांतरण के दीर्घ अंतराल में आल्हा की भाषा बुंदेली का रूप काफी बदल गया है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आल्हा के कुछ पात्र अलग अलग रूपों में चित्रित किए गए हैं, जैसे आल्ह खंड में ऊदल को एक आवेगमय, रोषपूर्ण और युद्ध प्रिय वीर के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि महोबा समय और परमाल रासों में उसे दूरदर्शी बतलाया गया है। इसी प्रकार महोबा समय और परमाल रासों में चंदेल नरेश परमाल को कायर सिद्ध किया गया है। आल्हा वीर रस पूर्ण रचना है, जिसमें आल्हा ऊदल के शौर्य का चित्रण अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया गया है। जनश्रुति के आधार पर आल्हा अमर हैं, जो आज भी मैहर स्थित शारदा देवी के मंदिर में काला कमल प्रतिदिन सबसे पहले चढ़ाने आता है। आल्हा लोक गाथा एक विशेष छंद में लिखी गई है, जिसे आल्ह छंद कहा जाता है। जैसे आल्हा छाई गए कनवजमा, सुनो डार के नगर महोब, दस पुरवा सब खाली होइगा, खाली परो महोबा गांव। किंतु लोक में आल्हा के जितने रूप मिलते हैं उनमें दूसरे छंदों का प्रयोग भी दृष्टिगत होता है, जैसे तोटक छंद, तुम सत्त बनाफर बत्त कही, यह मैं कछु वार न भेद सही, जब भूप विवाह रचो भगनी, दरुवार समूही लगो रचनी। आल्हा उदल की वीरता लोक में इस तरह प्रचलित हुई कि महज आल्हा से ही लोकमन संतुष्ट नहीं हुआ, इसी कारण वह अन्य लोक गीतों में भी आल्हा उदल के नायकत्व के चित्रण का मोह संवरण नहीं कर सका। आल्हा के लिए एक पुराना शब्द सैरा प्रचलित है। आल्हा के व्यावसायिक पाठ आर्थिक लाभ के उद्देश्य से रचे गए हैं। कुछ विद्वान मौखिक परंपरा में प्रचलित पुरानी साखियों को ही आल्हा का अवशेष मानते हैं। आल्हा हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथा है। आल्हा लोक गाथा में इतिहास तत्व और इतिहास रस का अद्भुत समन्वय विद्यमान है। वीरता और श्रृंगार आल्हा लोक गाथा के मूल तत्व हैं। क्षत्रियत्व की मर्यादा और वचन पालन की ऐतिहासिक परंपरा भी इस लोक गाथा की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। आल्हा लोक गाथा में लोक मन को आकर्षित करने की असीमित क्षमता है, क्योंकि वह एक ओर उत्साह, साहस और संघर्ष की भावना का संचार करती है तो दूसरी ओर श्रम परिहार का अवसर देती है। और आल्हा लोक गाथा लोक संस्कृति, लोक साहित्य और भाषा संबंधी अध्ययन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।